अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सवाल में एकदम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दोनों दिया गया है उसको जोड़ लेंगे, यानी 72% प्लस 44%, ये हो गया 4 2 6 और 7 4 11, 116%। जबकि किसी भी क्लास में 100% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, तो ये जो 16% ज़्यादा हो रहा है ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने दो सब्जेक्ट ले लिए हैं। और सवाल में ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट लिए, यानी ये जो 40 विद्यार्थी हैं यही 16% के बराबर हैं, यानी ये 16% बराबर हो जाएगा 40 विद्यार्थियों के। ठीक है, तो अगर ये 40 विद्यार्थी, ठीक है, तो हम इसका सीधे सीधे फिर पूछ रहा कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1% निकाल लें और 100 से गुणा कर दें तो हमें टोटल विद्यार्थी पता चल जाएगा। तो 1% निकालने के लिए क्या करना होगा, 40 में 16% से भाग दे दें और फिर 100% के लिए 100 से गुणा कर दें। ठीक है, तो 4 10 में 40 और 4 4 16 और 4 से ये कटा तो आ गया ये 25। अब 25 10 में 250, ठीक है, 25 10 में 250, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 250। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। मतलब किसी चीज़ के दाम को 10-10% दो बार बढ़ा दिया जाए तो वो किसी 1% के किसके बराबर है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स पहली वृद्धि है, वाई दूसरी वृद्धि है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली वृद्धि भी 10 दे रहा है प्लस दूसरी भी 10 है प्लस 10 × 10/100। ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, एक इकाई एक, और ये हुआ 10 10 20 और 1 21, तो ये टोटल हो गया 21%, यानी उस वस्तु का जो एकमात्र वृद्धि पूछी जाए तो वह 21% के बराबर है। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।